Hi students, welcome to online English classes. In today's class I am going to discuss about the special situation of advertisement which is called property for sale and to purchase property. Previous classes में हमने बात करी थी appointment से related जो advertisement लिखे जाते हैं उनके बारे में. इसके अलावा मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट हमने पढ़े हैं. आज मैं थर्ड कंडीशन प्रॉपर्टी फॉर सेल, इसमें दो तरह की कंडीशन है, यानी ये एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट है जिसमें प्रॉपर्टीज़ की सेल और परचेज़ का डिस्कशन या उनकी डिटेल्स दी जाती है. जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी होगी और वो प्रॉपर्टी कुछ भी, जैसा हाउस हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, कोई शॉप हो सकती है, फार्म हाउस हो सकता है, यानी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी होती है. उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए या उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए जो नेसेसरी डिटेल्स होती है वो हमें यहाँ पर मेंशन करनी होगी. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसा प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट में मैंने आपको आपकी हेल्प के लिए प्रोवाइड करवाए थे. जैसा आप देख पा रहे हैं कि अगर कोई एडवर्टाइजमेंट जिसका टाइटल है प्रॉपर्टी फॉर सेल या उस प्रॉपर्टी का नाम लिखा जाए फ्लैट फॉर सेल, हाउस फॉर सेल, तो उस तरह के एडवर्टाइजमेंट में कैसी डिटेल्स हम मेंशन करते हैं वो इन पॉइंट्स के थ्रू आप समझ सकते हैं. जैसा आप देख पा रहे हैं एसेंशियल डिटेल्स के नाम से मैंने यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हैं, जिनमें फर्स्ट पॉइंट है कि जो ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनको बिगिन विद अवेलेबल या सेल, यानी आप या तो बिगिन से, सॉरी अवेलेबल वर्ड से या फिर सेल वर्ड से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं. मोस्टली अवेलेबल एक सुटेबल वर्ड है जहां पर आप किसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए या किराए पर देने के लिए कंडीशन अगर होती है तो अवेलेबल वर्ड से स्टार्ट कर देते हैं. तो यहां पर हम सेल आउट की बात कर रहे हैं तो फिर आप अवेलेबल से स्टार्ट कर सकते हैं. दूसरी जो डिटेल आप मेंशन करेंगे वो करेंगे कि उस प्रॉपर्टी या हाउस फ्लैट उसकी साइज़ क्या है, यानी वो स्क्वायर यार्ड में बता दें या 2 BHK 3 BHK, इस तरह से आप शॉर्ट में ही बता सकते हैं. नंबर ऑफ़ रूम्स, उसके अंदर रूम्स की, बेडरूम्स की जो संख्या है वो कितनी है. लोकेलिटी क्या है, यानी कौन से क्षेत्र में, कौन से एरिया में वो हाउस है जिसको आप सेल करना चाहते हैं. इसके अलावा फैसिलिटीज़, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत सारी आपकी वर्ड लिमिट जो है वो इसमें कवर हो जाएगी, डिटेल्स कवर आप कर सकते हैं. तो इसमें आपको फैसिलिटीज़ बतानी है कि जो आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स क्या क्या हैं या उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है. तो कौन कौन सी फैसिलिटी से रिलेटेड, जैसे बेसिक मैंने कुछ लिखा है, पार्किंग है, पावर है, पावर सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर कनेक्शन या वाटर से रिलेटेड, फ्लोर मार्बल फ्लोर है या फिर और किसी दूसरे टाइप का फ्लोर है, तो वो आपको बताना होता है. इसके अलावा और भी डिटेल्स आप लिख सकते हैं इसमें फैसिलिटीज़ में, कि मार्केट से उसकी डिस्टेंस क्या है, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स वगैरह आसपास है या नहीं है, रोड्स अच्छी कंडीशन की है या नहीं है, लोकेलिटी पोस्ट है या नहीं है, वो सब बातें भी आप इसी फैसिलिटीज़ में लिख सकते हैं. यानी ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो वर्ड लिमिट को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा. उसके बाद आप आएंगे अमाउंट पर, तो उस प्रॉपर्टी का अमाउंट क्या है, यानी उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, आप किस रेट पर उसे बेचना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल आप लिख देंगे. फिक्स अमाउंट है तो फिक्स बता देंगे, अगर कुछ मार्जिन या वैसे आप रख रहे हैं राउंड फिगर में तो आप उसे वैसे भी बता सकते हैं, जैसे 20 लाख टू 30 लाख या 20 लाख टू 25 लाख, इस तरह से आप बता देंगे. इसके अलावा एनी रिलेवेंट डिटेल्स, यानी और कोई विशेष डिटेल अगर आपके समझ में आ रही है कि हाँ ये डिटेल मैं मेंशन कर सकता हूँ, तो वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे. अब जैसे उसमें आप ये लिख सकते हैं कि किसी स्मॉल या अच्छी फैमिली को ही प्रायोरिटी दी जाएगी या फिर किसी पर्टिकुलर फैमिली को प्रेफरेंस दी जाएगी, किसी पर्टिकुलर उसी रीजन के लोगों को ये प्रेफरेंस है कि वो इसे ख़रीद सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन भी आप लिख सकते हैं. अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है. उसके बाद जैसा हमेशा हम हर एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं वैसे ही कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन यानी जो भी है उसका नाम, उसका नंबर और उसका ईमेल एड्रेस वगैरह आप मेंशन कर देंगे. तो ये वो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं जिनके बिहाफ पर आप इजीली वर्ड लिमिट को कंप्लीट कर लेंगे. अब मैं बात करता हूँ मुद्दे पर कि एक क्वेश्चन दिया हुआ, उस क्वेश्चन को आपको समझ कर जज करना है और उस एडवर्टाइजमेंट का टाइटल क्या होगा वो आपको डिसाइड करना है. तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी फॉर सेल. सो प्रॉपर्टी फॉर सेल एडवर्टाइजमेंट में आपको वो डिटेल्स मेंशन करनी होंगी जो आप प्रोवाइड करवा रहे हैं उस प्रॉपर्टी में या उस फ्लैट या हाउस में. तो जैसा आप एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं
ठीक, क्वेश्चन मैंने लिखा है यू आर मयंक शर्मा, आप मयंक शर्मा हैं, लिविंग एट 45 बजाज नगर जयपुर, कि आप बजाज नगर जयपुर में रहते हैं। अब आगे कंडीशन रखी है यू हैव एन एक्स्ट्रा हाउस, आपके पास एक एक्स्ट्रा हाउस है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी का नाम हाउस रखा है, ज़रूरी नहीं है वो हाउस ही हो, वो फ्लैट भी हो सकता है, जैसे अभी मैंने बताया शॉप भी हो सकता है। तो यहाँ लिखा है यू हैव एन एक्स्ट्रा हाउस एंड यू वॉन्ट टू सेल इट, और आप उसे बेचना चाहते हैं, आप इसे बेचना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट बनाइए टू पब्लिश इन क्लासिफाइड कॉलम ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, यानी लोकल न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड कॉलम में पब्लिश करने के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो कंडीशन सीधी सीधी समझ में आ रही है कि आपके पास एक एडिशनल हाउस है, एक एक्स्ट्रा हाउस है, और आपको उसे सेल करना है। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जैसे यहाँ पर सेल करना है, ये मेन वर्ब है सेल, और ये एक सेल जो है वो एक नाउन है, दोनों में डिफरेंस और स्पेलिंग का डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। सिंपली आपको बताऊं तो पहले तो आप ये कन्फ्यूजन दूर करें कि सेल जो वर्ड होता है वो एक मेन वर्ब है, यानी ये जो सेल वर्ड मैंने लिखा है वो एक मेन वर्ब है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, थर्ड फॉर्म भी सोल्ड, लेकिन सेल जो होता है वो एक, ये जो सेल है ये एक नाउन की कैटेगरी में, इसका हिंदी मतलब होता है बिक्री, जबकि इस सेल का मतलब होता है बेचना। तो टाइटल में जो सेल स्पेलिंग होगी वो आपको ये वाली रखनी है, यानी सेल बिक्री जो वर्ड होता है उसके लिए जो वर्ड आता है ये वर्ड आपको रखना है। तो जिस तरह से टाइटल मैंने पहले भी बताया था कि ये जो प्रॉपर्टी वाले जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिसमें सेल और परचेज की कंडीशन होती हैं, तो उसमें आप इस तरह से प्रॉपर्टी का नाम रख के और टाइटल डाल देंगे। तो जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम हमने रख दिया कि आप क्या बेचना चाह रहे हैं, तो हाउस फॉर सेल। कई जगह ऐसा देखा जाता है कि सिंपली अगर आप फॉर सेल लिख देते हैं तो भी एक्सेप्टेड है, यानी टाइटल होना चाहिए लेकिन यही फॉर सेल, उससे पहले प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी का नाम हम मेंशन कर देंगे। अब जैसा मैंने बताया कि वो डिटेल जो आपको मेंशन करनी है, तो सबसे पहले तो आपको कोई भी सेल आउट करने के लिए या किराए पर देने के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को के एडवर्टाइजमेंट को आप अवेलेबल वर्ड से स्टार्ट कर दें। इसका हिंदी मतलब है कि आपके पास वो प्रॉपर्टी उपलब्ध है, अवेलेबल है, या तो किराए पे देने के लिए और या फिर बेचने के लिए। अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर सेल आउट करना है न कि किराए पे देना है, तो इस कंडीशन के लिए आप अवेलेबल वर्ड से स्टार्ट कर देंगे। अब जो इसमें वर्डिंग मैंने इंक्लूड करी है या जो लिखी है वो आप देख पा रहे हैं कि एक ईजी वर्डिंग है जिसको आप आसानी से समझ भी पाएंगे, और सिंपली आपको इसके जो पॉइंट्स हैं, जो मेन डिटेल्स हैं, वो याद भी रहेंगी। जैसा अभी मैंने बताया था कि ये जो डिटेल्स हैं, यानी आपको अवेलेबल वर्ड से स्टार्ट करना है, फिर आपको उस हाउस की, फ्लैट की, प्रॉपर्टी की साइज़ बतानी है, उसके अंदर रूम्स क्या है वो बताने हैं, उसकी लोकेलिटी बतानी है, फैसिलिटीज़ बतानी है, फैसिलिटी में क्या क्या बताई थी, पार्किंग है, पावर है, वाटर सप्लाई है, फ्लोर कैसा है, अमाउंट क्या है, एनी रेलिवेंट डिटेल अगर कोई है तो वो लिख दो, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम। तो इतने में तो अगर आप सोचेंगे कि अगर इनको आप प्रॉपर ढंग से मेंशन करेंगे तो ये 6 पॉइंट मैंने बनाए हैं, तो 6 पॉइंट में आप एवरेज 5 से 6 लाइन तो यही हो जाएंगी। इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ है इसमें आप बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, एनी रेलिवेंट डिटेल में कोई कंडीशन या कोई प्रेफरेंस रख सकते हैं, जैसा हमने प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट में किया था। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट को जब हम शुरू करेंगे तो उस हिसाब से हम इसको अवेलेबल वर्ड से स्टार्ट कर लेंगे। तो जैसे मैंने लिखा है अवेलेबल ए वेल कंस्ट्रक्टेड न्यूली बिल्ट एंड वेल फर्निश्ड हाउस फॉर इमीडिएट सेल इन सांगानेर लोकेलिटी। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक अच्छे से बना हुआ, वेल कंस्ट्रक्टेड का मतलब अच्छे से बना हुआ, नया बना हुआ, एंड वेल फर्निश्ड हाउस, और अच्छी तरह से फर्निश्ड एक घर जो है वो अवेलेबल है, किसके लिए, फॉर इमीडिएट सेल, यानी तुरंत बिक्री के लिए, ये सेल यहाँ पर वही लिखा है मैंने, ध्यान देना, इन सांगानेर लोकेलिटी, और कहाँ पर है, सांगानेर की लोकेलिटी में। तो ये तो हुई बात लोकेशन का नाम, और हाउस कैसा है उसके बारे में बात की गई है कि एक नया बना हुआ वेल फर्निश्ड हाउस है। अब आगे देखो और डिटेल लिखी है, हाउस की साइज़ बताई है 110 स्क्वायर यार्ड, यानी 110 स्क्वायर यार्ड का है, स्क्वायर यार्ड को शॉर्ट में लिखा है कि 110 वर्ग गज का है, का हाउस है, विद 3 बेडरूम्स एंड सेपरेट लेट एंड बाथ, कि 3 बेडरूम्स के साथ और सेपरेट लेट बाथ के साथ एक 110 गज का, 110 वर्ग गज का एक घर है। इसके बाद आप लिख सकते हैं, जैसा इसमें मैंने फैसिलिटीज़ पे आई थी, तो वाटर एंड पावर कनेक्शन, एक छोटा सा सेंटेंस बनाया है कि वाटर एंड पावर कनेक्शन अवेलेबल है, फिर नया सेंटेंस बनाया है, पार्किंग फैसिलिटीज़ है, पोस्ट लोकेलिटी है,
स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स नियर बाय है, तो आप समझ सकते हैं कि स्कूल और हॉस्पिटल्स नियर बाय, ये डिटेल लिख दी। या फिर आप डिस्टेंस बता देंगे मेन रोड से या मार्केट से कि ओनली 500 मीटर अवे फ्रॉम मेन लोकेलिटी या मेन रोड, इस तरह की चीज़ें भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर आप एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में लिखेंगे, जैसा कि इसकी जो प्राइस आपने जो डिसाइड करी है, आप सिंपली प्राइस भी लिख सकते हैं। प्राइस या अमाउंट आप लिखना चाहें तो अमाउंट, और यहाँ पर जो भी अमाउंट आपने डिसाइड कराया उसकी सेलिंग प्राइस के तौर पर वो आप रख देंगे। तो जैसे आपने यहाँ पर लिखा 25-35 लाख जो भी है, तो उसको आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में कोई कॉन्टैक्ट पर्सन को इन्वाइट करना है कि जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन है उससे इंटरेस्टेड पार्टीज़ या इंटरेस्टेड लोग जो हैं वो मिल सकते हैं। तो लास्ट में मैंने ऐसे लिखा है, इंटरेस्टेड पार्टीज़ में कॉन्टैक्ट मिस्टर मयंक शर्मा। मिस्टर मयंक शंकर शर्मा का क्वेश्चन में जिक्र किया हुआ था, तो यही वो पर्सन है जो सेल आउट करेगा। तो इंटरेस्टेड पार्टीज़ जो हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, किससे कर सकती है, मिस्टर मयंक शर्मा से, जिनका मोबाइल नंबर ये है और ईमेल एड्रेस वगैरह इस तरह से आप इसमें मेंशन कर देंगे। और ये सब डिटेल लिखने के बाद में आप और भी एडिशनल, अगर आपको लगता है कि कुछ बच रहा है, तो उससे पहले जैसे ईमेल एड्रेस से पहले आप एड्रेस भी लिख सकते हैं मयंक शर्मा का, लेकिन ऑलरेडी जैसे यहाँ पर वर्ड लिमिट जो है वो कम्प्लीट हो रही है, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। एक जैसे यहाँ पर हमने किचन का या फ्लोर का जिक्र नहीं किया है, तो अगर आपको लगता है कि किचन कुछ है अलग से, जैसे मॉड्यूलर किचन है, कोई मॉडर्न किचन है या फर्नीचर फिटेड किचन है, तो वो डिटेल भी आप इसमें बीच में मेंशन कर सकते थे, जो यहाँ पर मैंने नहीं की है। तो सिंपली आप जानते हैं कि किचन, हॉल, बेडरूम्स ये तो एक हाउस में अवेलेबल होते हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी डिटेल्स को इजी वे में लिख करके आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि हाँ ये डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद में जिस तरह से आपका एडवर्टाइजमेंट ख़त्म होता है, उसके बाद में एक लाइन आप एडिशनल यहाँ पर कवर करके और इसको आप क्लोज कर देंगे, यहाँ से इस तरह से आप इसको बंद कर देंगे। कंजस्टेड करना नहीं है। ईमेल एड्रेस के बाद में भी आप एक लाइन छोड़ करके इसको आप स्केल से ऐसे अच्छे से बंद कर देंगे। तो इस तरह से आपका हाउस फॉर सेल, या इसी तरह से कोई फ्लैट है तो फ्लैट फॉर सेल हो जाएगा, शॉप फॉर सेल है, बस डिटेल उसी तरह से। तो फ्लैट और हाउस में कोई डिटेल्स ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम सी डिटेल है। लेकिन अगर और कोई प्रॉपर्टी है, सपोज जैसे कोई शॉप है, कोई फार्म हाउस है, तो फिर उसकी डिटेल आप लिखेंगे। ठीक इसी तरह से अगला है परचेज़ करने के लिए। तो अब आपको पता है प्रॉपर्टी को परचेज़ करते हैं तो भी प्रॉपर्टी की डिटेल तो वैसी होती है, जैसे हाउस है, फ्लैट है, तो उसकी डिटेल वैसी होगी। तो मैंने इसमें भी ऐसी एक कंडीशन रखी है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब इसमें क्वेश्चन मैंने ये रखा है कि यू वांट टू परचेज़ ए हाउस इन जयपुर, आप जयपुर में एक घर ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है टू बी पब्लिश इन द लोकल न्यूज़पेपर, तो लोकल न्यूज़पेपर में छापने के लिए, और वो भी क्या करते हुए, बाय गिविंग नेसेसरी डिटेल्स, यानी आवश्यक डिटेल देते हुए कि आपको किस तरह का घर चाहिए, वो डिटेल यहाँ पर देते हुए आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। लास्ट में कंडीशन रख दी, सपोज़ यू आर संजय सिंह, कि आप संजय सिंह हैं, तो अपने आप को संजय सिंह मान करके, और आपको टू परचेज ए प्रॉपर्टी या टू परचेज ए हाउस कंडीशन में आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इसका टाइटल जो रखा है वो है टू परचेज हाउस। इसको भी जैसा कई टाइप्स में या कई गाइड्स में ऐसा देखा हुआ है कि यहाँ पर फॉर परचेज हाउस भी लिखा हुआ होता है, लेकिन जैसा आपके सिलेबस में शो किया हुआ आरबीएससी पैटर्न में, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप इसको टू परचेज हाउस भी लिख सकते हैं, या सिंपली परचेज हाउस कर देते हैं तो भी एक्सेप्टेड है, लेकिन ये एक सूटेबल टाइटल है इसलिए मैंने इसको प्रीफर किया है। तो टू परचेज हाउस ये आप इसका टाइटल डाल देंगे आंसर नंबर वगैरह डालने के बाद में, और इस तरह से इसका जो फॉर्मेट है मैंने प्रीवियस क्लासेज में बताया वैसे आप एक रेक्टेंगल साइज़ का फॉर्मेट बना लेंगे। उसके बाद इसमें डिटेल्स क्या क्या मेंशन करेंगे, तो अब आप सोच रहे हैं कि डिटेल में प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं होता, कुछ एक दो चीज़ें हैं जो आप बदल सकते हैं यहाँ पर, बाकी करीब करीब डिटेल्स एक जैसी हैं। इन डिटेल्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन मेंशन सभी तरह की डिटेल्स करें। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने इन्वॉल्व किया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एसेंशियल डिटेल्स है जो आपको लिखने चाहिए टू परचेज एडवर्टाइजमेंट में। तो आप क्या लिखेंगे, जैसे बिगिन विद वांटेड, तो इसको आप वांटेड से शुरू कर दें या फिर फॉर परचेज से शुरू कर दें, ये दो ऑप्शन हैं आपके पास, या तो फॉर परचेज से और या फिर वांटेड से स्टार्ट कर दें। तो जैसा आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए किसके लिए, ख़रीदने के लिए, इसी तरह से अगर आपको किराए पे लेना है तो भी आप ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड है, आपको खुद को ज़रूरत है, आप ख़रीदना चाहते हैं, तो आप इसको वांटेड से शुरू कर दें, या फिर फॉर परचेज भी एक वर्ड है, इसे भी आप शुरू कर सकते हैं। तो मैंने सूटेबल वे में आपको एक ईजी तरीके से वांटेड से शुरू करके यहाँ पर समझाया हुआ है, जो अपन पढ़ेंगे। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ रिक्वायर्ड साइज़, तो आपकी ज़रूरत के साइज़ के, आपको किस स्क्वायर यार्ड का या किस वर्ग गज का आपको हाउस चाहिए,
इसके अलावा उसकी लोकेलिटी क्या होनी चाहिए, किस एरिया में चाहिए, किस रीजन में चाहिए, वो बता देंगे। फिर फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड, तो आपको जो फैसिलिटी की ज़रूरत है, कैसी फैसिलिटी चाहिए उस घर में, तो वो आप बता देंगे। तो फैसिलिटीज़ में वही चीज़ें आएंगी कि वाटर कनेक्शन है या नहीं है, पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, पार्किंग फैसिलिटी है या नहीं है, वो बतानी है। वो अगर आपको मस्ट है तो आप पहले कंडीशन रख देंगे कि वाटर सप्लाई एंड पावर एंड पार्किंग फैसिलिटीज़ मस्ट बी डन, मस्ट बी देयर इन द हाउस, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ऐसे और कोई कंडीशन है आपकी या कोई टर्म्स एंड कंडीशन आप रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद वही फोर्थ पॉइंट है अमाउंट या प्राइस, तो आपका बजट क्या है, आप किस बजट का हाउस चाहते हैं, तो उसको आप या तो फिक्स या अप टू से लिख सकते हैं। जैसे सपोज आप 25 लाख रुपए तक का या 20 लाख रुपए तक का मकान खरीदना चाह रहे हैं तो आप उसे अप टू 25 लाख भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 25 लाख से तक के बजट में चाहिए, तो अप टू का मतलब मिनिमम कुछ भी हो सकता है और मैक्सिमम 25 तक के लाख का बजट का आपको हाउस चाहिए। इसी तरह से लास्ट में कोई रेलिवेंट डिटेल है तो वो आप लिख देंगे, जिसमें कोई प्रेफरेंस देनी है या फिर कोई कंडीशन रखनी है वो आप लिख सकते हैं, और लास्ट में कॉन्टैक्ट पर्सन, उसका नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, सेम वही चीज़ें आ जाएंगी। तो हाउस की जो डिटेल है वो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होती है, बस स्टार्टिंग वर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो जैसे यहाँ प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट को हमने अवेलेबल से स्टार्ट किया था, जबकि इसको हम किससे कर रहे हैं, वॉन्टेड से कर रहे हैं। तो आप जैसा समझेंगे, लैंग्वेज बिल्कुल ईजी है। वॉन्टेड वेल कंस्ट्रक्टेड एंड फुली फर्निश्ड 2 BHK हाउस, तो क्या लिखा है कि वांटेड वेल कंस्ट्रक्टेड एंड फुली फर्निश्ड 2 BHK हाउस इन मालवीय नगर। तो लोकेशन बता दी, मालवीय नगर जयपुर, कि मालवीय नगर जयपुर में एक अच्छे से बना हुआ और पूरी तरह से फर्निश्ड 2 BHK घर चाहिए, 2 BHK हाउस चाहिए। फैसिलिटीज़ क्या क्या मांगी है, तो पावर सप्लाई एंड वाटर कनेक्शन विद वाटर कनेक्शन होना चाहिए विद सेपरेट लेट एंड बाथ। तो ये कंडीशन रख दी कि पावर सप्लाई हो और वाटर कनेक्शन हो विद सेपरेट लेट एंड बाथ, तो सेपरेट लेट बाथ के साथ साथ पावर सप्लाई और वो हो। इसके अलावा पार्किंग फैसिलिटीज़ मस्ट, पार्किंग फैसिलिटी जो है वो अवश्य होनी चाहिए। ईस्ट फेसिंग हाउस हो विद मार्बल फ्लोर, तो ये भी एक कंडीशन आपने रख दी कि ईस्ट फेसिंग हाउस विद मार्बल फ्लोर विल बी प्रीफर्ड, कि जो पूर्व की तरफ जिसका मुंह है या पूर्व की तरफ फेस वाला जो हाउस है जिसमें मार्बल फ्लोर हो, ऐसे हाउस को प्रीफर किया जाएगा, यानी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स मस्ट बी नियर बाय, स्कूल और हॉस्पिटल आसपास होने चाहिए। प्राइस जो है वो अप टू 25 लाख, तो अमाउंट या प्राइस जो आपका बजट है कि आपको 25 लाख रुपये तक के बजट का चाहिए, तो आप इस तरह से प्राइस बता देंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन में फिर वही नाम आ जाएगा, और डिटेल अगर आप लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने किचन का बताया था, तो किचन वाली डिटेल आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। नहीं करी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ इतना रखा, तो लास्ट में आप लिख देंगे कॉन्टैक्ट मिस्टर संजय सिंह, और मिस्टर संजय सिंह कौन, जिसका एड्रेस है 105 बसंत विहार मानसरोवर जयपुर, तो ये इसका एड्रेस लिख दिया। फिर संजय सिंह का मोबाइल नंबर आपने मेंशन कर दिया, और संजय सिंह का कोई ईमेल एड्रेस है तो वो आप यहाँ पर ईमेल आईडी बना देंगे। तो इस तरह से संजय सिंह 46@gmail.com, इस तरह से आपने उसका ईमेल एड्रेस लिख दिया। तो डिटेल सेम वैसी हैं, थोड़ा बहुत एक लिखने का वे जो है वो चेंज होगा, और अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप इस तरह की डिटेल को मस्ट करके और मेंशन कर देंगे। और जिस तरह से लास्ट में आपकी डिटेल्स कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद में जैसा प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट में हमने किया था, इसको भी हम यहाँ से डायरेक्ट स्केल की हेल्प से और इसको क्लोज़ कर देंगे एकदम साफ़ सुथरा, तो कंजस्टेड ना हो और दिखने में भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, इस वे में आपको इन दोनों एडवर्टाइजमेंट को बनाना है। ठीक ऐसे ही आपको बता दूं कि अगर अगली सिचुएशन की बात करें, तो अगली सिचुएशन सेम है, तो उसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, इसी में मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट सिचुएशन थी प्रॉपर्टी हाउस फॉर सेल, ये प्रॉपर्टी फॉर सेल, तो ठीक ऐसे ही अगर आपको किराए पर देना है किसी घर को, तो आप यही डिटेल लिख देंगे। उसमें क्या आएगी, यहाँ पर टाइटल चेंज हो जाएगा, तो टू लेट हो जाएगा टाइटल, और यानी ये जो टाइटल है इस टाइटल की जगह आप यहाँ पर टू लेट लिख देंगे, हाउस फॉर सेल की जगह टू लेट, तो फ्लैट भी सेल हो सकता, मतलब किराए पर दे सकते हैं, हाउस भी दे सकते हैं। फिर अवेलेबल से स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पर आप प्राइस लिख रहे हैं, यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड प्राइस लिखा था, वहाँ पर आप रेंट रख देंगे, और कोई कंडीशन है कि आप किसी स्मॉल या सिविलाइज फैमिली को देंगे तो वो कंडीशन आप बता देंगे। तो सेम सी डिटेल है, यानी घर को चाहे आप बेच रहे हैं तो भी वैसी डिटेल बताएंगे, चाहे घर को आप अगर किराए पे दे रहे हैं तो भी आप उस घर की वो डिटेल बताएंगे कि घर में ये फैसिलिटीज़ हैं अगर कोई किराए पे चाहिए। तो अब अमाउंट चेंज हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना एक तो सेलिंग प्राइस होता है और एक होता है रेंट प्राइस, तो रेंट वाला जो अमाउंट होता है वो कम होता है, वो आप लोकेशन के हिसाब से आप 5,000, 7,000, 10,000, 12,000 तक या 15,000 तक भी आप मान सकते हैं। लेकिन अगर बात करें
सेल आउट की, तो सेल आउट में अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक, ऐसे ही इसमें आप समझेंगे कि परचेज़ हाउस, अगर घर को से मतलब खरीद रहे हैं तो आपको ये डिटेल लिखनी है, वांटेड से स्टार्ट करना। इसी तरह से अगर आप घर को किराए पे लेना चाहते हैं, यानी यहाँ तो किराए पे देना और यहाँ पर किराए पे लेना, तो अगर आप किराए पे लेना चाहते हैं तो वांटेड से शुरू कर देंगे। और यहाँ पर भी जहाँ प्राइस है वहाँ पर आप एक्सपेक्टेड रेंट लिख देंगे। तो रेंट जैसे आपका बजट है, सपोज आप 5,000 रुपये तक का घर को किराए पर लेना चाह रहे हैं, तो फिर यहाँ पर वो रेंट आ जाएगा। बाकी डिटेल सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इसलिए इन दोनों एडवर्टाइजमेंट को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आपको अगली जो कंडीशन है अकोमोडेशन, जिसमें टू लेट और अकोमोडेशन वांटेड, यानी किराए पे देना और किराए पे लेना, वो दोनों सिचुएशन अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। तो इन एडवर्टाइजमेंट्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे, इनकी PDFs मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवाई हैं, अच्छे से आप इनको समझकर अपनी नोटबुक में ऐड करेंगे। किसी भी तरह का डाउट या कन्फ्यूजन हो किसी सेंटेंस को लेकर तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।